हाँ बच्चों, तो अब क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करने के एक तरीका ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाइए, रीड कीजिए और रीड करते हुए कॉपी में लिखिए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा है परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन। परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन शब्द लगा हुआ है, इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं लगता, इंडिया में तो लिमिटेड लगता है। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब बाहर की कंपनी होगी, और बोला भी है कहां की कंपनी है जी, यूएस बेस्ड कंपनी, यूएस, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड हैज रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम एडस्क्योर लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स टू क्योर डेंगू, टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन बड्डी हिमाचल प्रदेश, इंडिया इन जॉइंट वेंचर। क्या बोला है सर, जरा समझाओगे? यस, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बेटी मैं क्वेश्चन की ना समरी बना रहा हूँ, मेरे साथ साथ बना लोगे तो दिक्कत नहीं होगा। बोले कंपनी है जिसका नाम क्या है जी, जिसका नाम है यूएस की कंपनी है परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन, और वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में, कोई इंडियन कंपनी है उसके साथ ये प्रोजेक्ट है, ये कहाँ स्टार्ट होने वाला है, इंडिया में। इट मीन्स ये हुआ कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इंडिया में। तो किसके एंगल से बात स्टार्ट कहाँ से हुई है, परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन यूएस कंपनी, कोई यूएस कंपनी इंडिया में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है जॉइंट वेंचर में किसी और कंपनी के साथ। ठीक है सर, बात समझ में आती, आगे बढ़े। यस, यहां से बढ़े, एज पर द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन, ये वाली यूएस की कंपनी अब यहां पैसा लगा रही है इंडिया में, तो जो पैसा वापस भी तो ले जाएगा ना, तो क्या बोल रहा है, एज पर द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन विल रिसीव 50% शेयर्स ऑफ रेवेन्यू प्लस अ रॉयल्टी एट द रेट $0.01 पर बॉटल। इसका मतलब परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन जो पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, और उससे जो रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू पूरा नहीं ले जाएगा, रेवेन्यू का सिर्फ कितना 55% प्लस थोड़ा सा काम और करेगा, रॉयल्टी भी मिलेगा इसको एक बॉटल पर $0.01। इट मीन्स इसको अगर मैं लिखूं, हाँ लिख रहा हूं, इट मीन्स हमें रेवेन्यू कहां से आएगा, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के लिए उन्होंने लिखा है 55% इंटू जो भी रेवेन्यू है, शेयर हो गया, प्लस रॉयल्टी 0.01 पर बॉटल, ये यहां से ले जाएगा। पहली बात अच्छे से ये बात समझ लीजिए कि किसके एंगल से बात हो रही है, यूएस की कंपनी, तो जो भी काम होगा, जो भी हमें एनपीवी निकलना है, जो भी एनपीवी निकलेगा वो कौन सी करेंसी में हमें निकालना, डॉलर में ही निकालना। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई है। आगे क्या लगा, इसका मतलब जितना हम इंडिया से कमाएंगे, जितना रेवेन्यू जनरेट होगा, यूएस कंपनी को पूरा नहीं मिलेगा, उसका 55% प्लस शायद कुछ बॉटल्स में मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्शन बॉटल्स में, तो जितना बॉटल्स प्रोडक्शन होगा हर एक बॉटल पे $0.01 मिलेगा। ठीक है सर, आगे क्या लिखा, अब आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाँ भाई पैसा कितना लगाओगे, तो उसने ना आपको यहाँ रुपीज में रखा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹200 करोड़ फॉर मशीनरी एंड फैक्ट्री, 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 200 करोड़ रुपए कौन लगा रहा है, यूएस की कंपनी, रुपीज में दिया, ठीक है हम डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे, 200 करोड़ रुपए की मशीनरी लगेगी, तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन एंड फैक्ट्री 5 साल बाद, लाइफ मिल गया कि भाई प्रोजेक्ट 5 साल चलेगा, बोले 5 साल बाद स्क्रैप वैल्यू मशीनरी की 5 करोड़ होगी। देख लेते इन्वेस्टमेंट में क्या क्या, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
तो इन्वेस्टमेंट में उन्होंने बता रखा है, एक तो मशीनरी में पैसा लगेगा, जी बिल्कुल सही, रुपीज में दे रखा है, रुपीज 200 करोड़, लाइफ कितना साल होगा, 5 इयर्स, और स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, 5 करोड़। ठीक है सर, आगे क्या लिखा हुआ है, द मशीनरी इज डेप्रिशिएबल, साफ साफ अच्छे से देखना क्या लिखा हुआ, द मशीन इज डेप्रिशिएबल एट 20%, 20% के हिसाब से डेप्रिशिएशन लिखाना, लेकिन डेप्रिशिएशन किस पे इंपॉर्टेंट है, नेट ऑफ सेल्वेज वैल्यू, और मेथड कौन सी रहेगी, स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसके अलावा और क्या लग रहा, वर्किंग कैपिटल 50 करोड़ शैल बी रिक्वायर्ड एंड देयर आफ्टर रुपीज 5 करोड़ ईच ईयर। इसको समझा रहा हूँ, पहले बात किसके कर रहे हैं, डेप्रिशिएशन की, तो बेटे डेप्रिशिएशन के लिए देखो क्या लिखा, डेप्रिशिएशन जो लगेगा मेथड कौन सा रहेगा, SLM, पर डेप्रिशिएशन पूरा 200 करोड़ पे नहीं लगेगा, बोले ऐसा करना डेप्रिशिएशन निकालते समय 200 करोड़ माइनस 5 करोड़ कर दीजिएगा, माइनस 5 करोड़ कर दीजिएगा, क्यों सर, क्योंकि लिखा नेट ऑफ सेल्वेज वैल्यू, और फिर इस पे कितना परसेंट लगाना है, 20%, मेथड कौन सा रहेगा, लिखा है SLM, ठीक है सर, और इसके अलावा हमें क्या लगेगा, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल भी लगने वाला है, कितना रुपए, 50 करोड़, 50 करोड़ आज लगेगा वर्किंग कैपिटल, इट मींस आज इनिशियल कितना लगेगा, 200 करोड़ रुपये तो मशीनरी में लगेगा और 50 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल में, रुपीज में, लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए एक खास बात लिखी हुई है, समझने की कोशिश करना, लिखा है 50 करोड़ एंड देयर आफ्टर रुपीज 5 करोड़ ईच ईयर, हर साल 50 करोड़ के अलावा 5, ये कब लगेगा, आज फर्स्ट ईयर में 5 और लगेगा, सेकंड ईयर में 5 और लगेगा, थर्ड ईयर में 5 और लगेगा एंड फोर्थ ईयर में 5 और लगेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ते जाएगा, स्टॉक डेटर्स वगैरह मान के चलो, और हमारा ये मानना होता है, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा है, जितना वर्किंग कैपिटल लगता है वो प्रोजेक्ट खत्म होने पे रिलीज हो जाता है, डेटर्स वगैरह में पैसा ब्लॉक होता है, बाद में हम ये मानते हैं कि डेटर्स का पूरा पैसा मिल जाएगा, तो देखा जाए तो लग कितना वर्ष, ये शुरू में, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड, तो कितना रुपया लग रहा है टोटल मिलाकर, 70 करोड़, और ये कब वापस कब होगा रिकवर, प्रोजेक्ट के एंड में। ओके सर, यहाँ तक तो सारी कहानी समझ में आ गई, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट, ये हो गया रेवेन्यू, अभी क्या लिखा हुआ, अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन, अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं यहाँ हूँ ठीक है ना, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन, इट इज एस्टिमेटेड दैट प्राइस पर डॉलर, दिस इज ऑपरेटिंग, अब यहाँ क्या हो रहा है कि पैसा कैसे आएगा, समझना, यहाँ बताया जितना आएगा उसका कितना परसेंटेज मिलेगा, ठीक है भाई, यहाँ बताया कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, अब इस पैराग्राफ में है और इस पैराग्राफ में वो ये बता रहा है कि पैसा कैसे जनरेट होगा, इट इज एस्टिमेटेड दैट प्राइस पर बॉटल, मतलब अब वो ऑपरेशन से रिलेटेड बात कर रहा है, ऑपरेशन से रिलेटेड बातें हो रही है, और क्या लिखा देखते हैं, प्राइस पर बॉटल कितना रुपए बोल रहा, 7 रुपया 50 पैसे, तो बॉटल प्राइस दे रखा, प्राइस ₹7.50 पर बॉटल, ये लिखा हुआ 7 रुपया 50 पैसे, पढ़ो, और प्रोडक्शन कितना, कितना बॉटल्स बना रहे हैं, तो ये भी लिखा है 24 करोड़ बॉटल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 24 करोड़ बॉटल्स बेचेंगे कितने के हिसाब से, 7 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, लेकिन एक बात लिखी हुई है, तो प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन, बोले इन्फ्लेशन को अभी अलग रखो, उसके अलावा प्राइस हर साल कितने रुपए से बढ़ेगा, 1 रुपए, मतलब ऐसा है कि अभी 7 रुपये 50 पैसे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना आएगा 8.5, थर्ड ईयर में कितना आएगा 9.5, इट मीन्स कि ये जो है ना ये हर साल कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 1 रुपए
एक रुपए इस तरह से बढ़ते जाएगा। 7.5 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 7.5, 8.5 और फिर 9.5। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 24 करोड़। ठीक है, आगे और चलते हैं। और इन्फ्लेशन अलग होगा तो फिर तो वो जोड़ेगी जोड़ेगी। लिखा है प्रोडक्शन कॉस्ट कितना परसेंट? 40%। इसका मतलब यहां लिख दो प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जितना बॉटल्स बिकेगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, पहले हम पिक्चर बना लें। 24 करोड़ बॉटल्स बेचेंगे सर, ठीक है, कितने के हिसाब से? 7.5 रुपए के हिसाब से बेच दो, 7.5 होगा, 8.5 होगा, मैं 7.5 ले रहा हूँ। 24 करोड़ बॉटल्स बेचेंगे 7.50 रुपए के हिसाब से, उसमें पूरा हमको नहीं मिलेगा, उसका कितना परसेंट मिलेगा? 50% कर लेंगे। फिर उसमें से, और उसमें रॉयल्टी का भी जो है वो हिसाब किताब कर लेंगे, उसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट कितना? 40% हम माइनस कर देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। तो एप्लीकेबल टैक्स रेट, इंडिया में टैक्स का रेट कितना है? 30%। यहां लिख देता हूं, इंडिया में टैक्स का रेट है 30%। और यूएस में टैक्स का रेट कितना है? 35%। सर, इंडिया में 30%, यूएस में 30%, पहले यूएस वाली कंपनी इंडिया में टैक्स दे के आएगी 30%, और फिर यूएस में भी टैक्स देना पड़ेगा 30%। ये तो अजीब सी बात है, डबल टैक्सेशन नहीं है क्या? उधर भी टैक्स दो, इधर भी टैक्स दो। हाँ, तो इसके लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और इसमें क्या होता था, अगर मैं देखूँ सीधी सीधी बात, इंडिया में कितना टैक्स देकर आए हो आप? 30%, और यूएस में कितना देना? 35%। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में ये क्रेडिट मिल जाता था कि भाई ऐसा है कि 35% आपको देना है, उसमें से 30% ऑलरेडी आप दे चुके हो, तो बचा हुआ कितना? 5% आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दैट्स इट। इसका मतलब जो इंडिया में टैक्स दिया उसका क्रेडिट आपको मिल जाता, हालांकि टैक्स में पड़ा होगा, विच एवर इज हायर ले लेंगे, बात खत्म। खैर, हम इस हिसाब से काम करेंगे। लिखा भी है द एप्लीकेबल टैक्स रेट इन इंडिया 30%, 35% इन यूएस, देयर इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन इन यूएस, यूएस में टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो इंडिया में, फॉर द टैक्स पेड इन इंडिया। यहां तक तो ठीक, इन बोथ द कंट्रीज, ये लाइन पढ़ोगे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In both the countries, tax shall be paid in following year in which profit arises. This is most important line. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस साल कमाएं तो टैक्स तो इस साल ही बनता, तो इस साल है, लेकिन इस साल पैड नहीं होगा, टैक्स पैड होगा नेक्स्ट ईयर। मतलब सर ये हुआ कि फर्स्ट ईयर का टैक्स फर्स्ट ईयर में पैड नहीं होगा, जी हाँ, कब पैड होगा? वो टैक्स पैड होगा सेकंड ईयर में। सर इसका मतलब ये हुआ कि फिफ्थ ईयर में जो हम कमाएंगे और फिफ्थ ईयर में जो टैक्स बनता है वो टैक्स एक्चुअल में मुझे फिफ्थ ईयर में पैड नहीं करना, मुझे पैड करना सिक्स्थ ईयर में। तो अगर मैं बात करूं तो मुझे 6 साल का काम करना पड़ेगा भाई। अच्छा सर, आगे स्पॉट रेट दिया हुआ है, इसको लिख लेता हूं। स्पॉट रेट दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू ₹57। इन्फ्लेशन रेट दे रखा दोनों जगह की, तो ठीक है, हम तो एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं ना सर, एक्सचेंज रेट की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि पूरा काम है किस में? रुपीस में, और हमको कन्वर्ट किस में करना है? डॉलर में। इसलिए उसने स्पॉट रेट दिया हुआ है। और कौन से रेट दिया है? इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है। इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट कितना है जरा चेक करो, लिखा है 6% पर है। और यूएस में कितना रेट लिखा हुआ है ये भी चेक कर लो बेटे, 5%। लेकिन ये 6% में कुछ बात है, बस वो बात आपको समझनी पड़ेगी। ये 6% में मैंने स्टार लगाया है,
क्यों? क्योंकि लिखा इन्फ्लेशन इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 0.5% एवरी ईयर। मतलब ये हुआ कि इंडिया में पहले साल 6%, फिर 5.5, फिर 5, फिर 4, हर साल 0.5% डिक्रीज हो रहा। ठीक है, एक बात और है, लिखा एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली 50% ऑफ शेयर कैन बी रेमिटेड इन द ईयर इन विच दे हैव अर्न एंड रिमेनिंग इन द फॉलोइंग ईयर्स। बस ये खत्म होने वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले यूएस कंपनी आप जितना भी आपका शेयर बनता है जितना भी आप पूरा की पूरा नहीं ले जा सकते, इस साल जितना आपका शेयर बना उसका 50% ही, हमारी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि उसका 50% आप उसी साल ले जाइए और बचा हुआ 50% आप नेक्स्ट ईयर ले जाना। इट मीन्स इसमें 50% तो आपका करंट ईयर में मिल जाएगा और 50% कब ले जा सकते हैं हम, नेक्स्ट ईयर ले जा सकते हैं। 50% करंट ईयर, बचा हुआ 50% नेक्स्ट ईयर। WACC है तो वैसे 13%, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो रिस्की है, इसलिए हमको WACC कितना परसेंट लेना पड़ेगा, 15% लेना पड़ेगा। ठीक है सर, लिख देते हैं कि यस WACC कितना, 15%। डिटरमाइन द वेदर परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट फ्रॉम द सब्सिडरी पॉइंट ऑफ व्यू। बस अब हमको NPV निकालना है, पहले सेट कर लेते, माइंड सेट कर लेते, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा तो मैं जानता हूँ कि ये जितना भी कैलकुलेशन है वो रुपीस में होने वाला है, लेकिन कंपनी कहाँ की है, कंपनी है US की, तो सारा कैलकुलेशन हमको आज नहीं तो कल डॉलर्स में करना ही पड़ेगा, NPV भी डॉलर्स में निकालना पड़ेगा। तो सर उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले चाहिए हमको एक्सचेंज रेट, क्योंकि हमें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, और एक्सचेंज रेट के लिए हमें क्या क्या दिया है, हमें स्पॉट रेट दिया हुआ है, हमें इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ, तो पक्का हम क्या यूज करेंगे, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम, और उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, 6 साल का एक्सचेंज रेट निकाल लेंगे। ठीक है सर, अब उसके बाद ये बताओ कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैश इनफ्लो, पैसा कितना आएगा। तो पैसा कितना आएगा, तो हर साल कितना प्रोडक्शन हो रहा, कितना बॉटल्स का, 24 करोड़ बॉटल्स, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से, तो वो सेल्स आ जाएगा और उसका हमको शेयर कितना मिलेगा, 55%, तो 55% हम कर लेंगे सेलिंग प्राइस से, यूनिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, हर साल अलग अलग सेलिंग प्राइस होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 55% ले लेंगे। रॉयल्टी जो निकलेगा वो तो डॉलर में निकलेगा, पर उसको हम एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके हम उसको भी रुपीज में निकाल लेंगे। वो आ गया हमारा, हमारा क्या आ गया, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, उसमें से 40% माइनस कर देंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिर इस तरह से फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उस पर टैक्स सेविंग होता है, और फिर वर्किंग कैपिटल का हिसाब किताब कर लेंगे, और कुछ नहीं है, CF फ्री कैश फ्लो निकाल लेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे कितना जरा NPV, डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करेंगे, 15% से, याद रखना, लेकिन जो रुपया में आएगा ना उसको फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर में, और फिर प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, आंसर निकल जाए। सर एक बार फाइनल स्टार्ट करें क्वेश्चन, यस धीरे धीरे करूँगा, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में जाएगी, काम किस तरह से करना। ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा कि हम एक्सचेंज रेट निकाल लें, स्टेप नंबर 1 वही हो जाएगा हमारा, तो यहाँ लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्शन रेट, और एक्शन रेट के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, परचेसिंग पावर पैरिटी, परचेसिंग पावर पैरिटी यूज कर रहे हैं, और परचेसिंग पावर पैरिटी का फॉर्मूला है हमारा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इज इक्वल टू स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। ये डोमेस्टिक पावर एन कर देते हैं, डोमेस्टिक करेंसी रहेगी और एक कौन सी करेंसी रहेगी, फॉरेन। फटाफट से अब काम करते हैं, हमें स्पॉट रेट मालूम है, $1 इज इक्वल टू 47। तो सबसे पहले 1 ईयर वाला काम करते हैं, 1 ईयर,
तो स्पॉट रेट हमको मालूम है डॉलर वन इज इक्वल टू, तो वन ईयर का कैसे निकलेगा, रुपीस 57, यहाँ रुपया, तो ऊपर कहाँ का इन्फ्लेशन रेट आएगा, रुपया का, और रुपया में इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा, चलो चेक कर लेते हैं, 1.06 फर्स्ट ईयर, 1.06, और यूएस में क्या रेट चल रहा भाई, 1.05, चलो देखते कितना है, 57 × 1.06 / 1.05, तो फर्स्ट ईयर का गया रुपीस 57.54, ये लिख लेना, ये काम आने वाला है आपको, अच्छे से लिख कर रखना है इसको, सेकंड ईयर का रुपीस 57.54। अब इंडिया में इन्फ्लेशन ना 0.5% से डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ जाएगा 1.055, यहाँ तो 1.05 ही रहेगा, 1.055 / 1.05, तो ये आ गया रुपीस 57.82। अब बात कब की कर लेते हैं, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में रुपीस 57.82 × 1.05, और डिवाइड भी किससे होगा, 1.05, तो सर आंसर तो उतना ही आएगा, यस 57.82। अब कौन सी ईयर की बात कर लेते हैं, फोर्थ ईयर, रुपीस 57.82, लेकिन यहाँ हो जाएगा 1.045 / 1.05 × 1.045 / 1.05, तो ये आ गया रुपीस 57.54। एंड लास्ट फिफ्थ ईयर 57.54 × 1.04 / 1.05 × 1.04 / 1.05, आंसर आ गया रुपीस 56.99। देखा जाए तो यहां तक बात खत्म हो चुकी है, लेकिन ना मैंने कहा था इस साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर, तो उसकी वजह से मुझे सिक्स्थ ईयर का भी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, सिक्स्थ ईयर का, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब हम और कौन सी ईयर का निकाल लेते हैं, सिक्स्थ ईयर काम पड़ेगा, ये 56.99 × 1.035 आ जाएगा, 35 हाँ, डिवाइडेड बाय 1.0, ये तो 5 ही रहेगा, × 1.035 / 1.05, तो ये आ गया रुपीस 56.17 है ना, तो इसको क्या ले लेते हैं, 18। तो सर यहाँ तक तो काम हो गया है, अब क्या करना है, अब हम लोगों का, हमें सबसे पहला एक्सचेंज रेट निकालना था, निकाल लिया, अब हम लोगों का मेन काम स्टार्ट होगा कि हम निकालें ऑपरेटिंग कैश फ्लो CFAT, और उसके बाद फ्री कैश फ्लो निकालें, उसके बाद तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको अभी मैं साइड में कर देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको ले लेंगे, ठीक है सर, हो गया। अब हमको क्या निकालना, हमें निकालना कैश फ्लो, तो लिखते हैं, एक वर्किंग नोट आ जाएगा, लिखोगे मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो लिखता हूँ ना, पूरा यहीं कर लूँगा, फ्री कैश फ्लोस, कितना ईयर बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बार लाइन खींच लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी, पूरा यूज हो जाएगा, यहाँ लेते हैं 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 5 एंड 6, ठीक है, देखो
दिस इज वन ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर. सबसे पहले क्या लिखना स्टार्ट करते हैं सर? सबसे पहले लिखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ बॉटल, सेलिंग प्राइस पर बॉटल. उसमें लिखा हुआ है विदाउट इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, पहले साल फर्स्ट ईयर में 7.5 होगा, ₹7.50, और फिर 8.5 हो जाएगा, एक एक रुपए से बढ़ेगा, फिर 9.5 हो जाएगा, फिर 10.5 हो जाएगा, और फिर 11.50 हो जाएगा. सिक्स्थ ईयर की बात ही नहीं करना, सिक्स्थ ईयर कब काम आएगा? टैक्स के समय. ओके सर, सर इसमें इन्फ्लेशन भी तो करना है. यस, वो तो करना ही पड़ेगा भाई. इन्फ्लेशन फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट है? 6%. उसके बाद कितना? 5.5%. उसके बाद 5%. उसके बाद 4.5%. और उसके बाद 4%. और यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अब जो आएगा उसका नाम रहेगा सेलिंग प्राइस पर बॉटल विथ इन्फ्लेशन. चेक कर लेते कितना आएगा. 7.5 प्लस 6%, 7.95. 8.5 प्लस 5.5%, 8.967 है ना, तो इसको हम कर सकते 8.97 लिख दे. हाँ सर चलेगा. 9.5 प्लस 5%, सर 9.98 कर देते हैं. जी सर 9.98. 10.5 प्लस 4.5%, 10.97 कर लेते इसको. और 11.5 प्लस 4%, 11.96. 11.96 इस साल कुछ नहीं है. ठीक है, अब क्या करना है? अब एक काम करते हैं, रेवेन्यू निकलते हैं. रेवेन्यू मतलब ये सब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 24 करोड़, क्योंकि बॉटल्स उतना ही है ना यार. 24 करोड़, ये एक बॉटल का प्राइस है, तो मुझे 24 करोड़ साल भर का बेच रहा हूँ. तो सर अब 24 into this ऐसा कर रही है, लेकिन एक शॉर्टकट भी है, एक ही बार 24 करते हैं. 24 into 7.95 इक्वल टू, तो ये आ गया 190.80. अब देखो मैं क्या करूँगा, अब फिर से 24 नहीं लिखूंगा, जो है 8.97 लिखूंगा, इक्वल टू लिख दूंगा. ओके सर, ये तो हमको पहले से मालूम है. जी हाँ सर, फिर 9.98 लिखेंगे, इक्वल टू लिख देंगे, तो ये आ गया 239.52. उसके बाद 10.97 इक्वल टू 263.28, 11.96 इक्वल टू 287.04. यह है टोटल रेवेन्यू. पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन को टोटल नहीं मिलेगा, उसका कितना परसेंट? 55% ही मिलेगा. तो हमारा शेयर लिख लेते हैं, शेयर कितना मिलेगा जी? 55% इन सबका, 55%. तो इसके लिए भी शॉर्टकट है, पहले कैलकुलेटर में लिख देते 0.55 इंटू 190.80, तो आ गया 104.94. अब क्या करूंगा मालूम है? 215.28, तो आ गया 118.40, 239.52, ये आ गया 131.74 लिखूं. जी सर 263.28, तो आ गया 144.80 एंड 287.04, तो ये आ गया बेटे 157.87. यहाँ तक तो ठीक है, हम लोगों को रेवेन्यू मिलेगा इतना. ओके सर, अब क्या करना है? अब एक बात बताओ, एक बात सोच के, प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा है आपने, समरी बनाया, उसमें देखो
भाई जो रेवेन्यू है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना, 50%। तो हमको जो प्रोडक्शन कॉस्ट काटने के बाद जो मिलेगा, दिस इज CFBT। CFBT का मतलब कैश फ्लो बिफोर टैक्स, ऐसा कैश फ्लो जिसमें सारे एक्सपेंसेस माइनस हो चुके हैं, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ और टैक्स माइनस नहीं हुआ, ये मैं पहले भी बता। इट मीन्स मैं सीधा इसका 40% प्रोडक्शन कॉस्ट है तो सीधा क्या मैं 60% ले सकता हूँ? हाँ सर ले सकते हो। फिर शॉर्टकट मारेंगे, 0.6 इंटू 104.94, तो ये आ गया 62.96, 118.40, ये आया 71.04, 131.74, ये आया बेटे 79.04, 144.8, 86.88, 157.87, तो ये 94.72, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। ठीक है सर, पर सुनो ये तो है रेवेन्यू तो मिला और साथ में क्या मिला, रॉयल्टी, तो वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। यस, रॉयल्टी कितना, ये डॉलर में है, 0.01 इंटू 24 CR, तो 24 इंटू 0.01, ये डॉलर आया डॉलर में 0.24 डॉलर। अब ये डॉलर में, ये रुपीस में, याद रखना ये रुपीस में लिख दूं अच्छे से, हाँ सर लिख दीजिए, ये है रुपीस में और ये है डॉलर में। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट। और मेरे ख्याल से एक्सचेंज रेट आपने निकाल के रखा हुआ है कहीं ना कहीं, उसी को देख कर लिख दो। मेरे पास यहां लिखा हुआ है कितना है, पहले साल का 57.54, दूसरा 57.82, तीसरा भी 57.82, फिर 57.54, 56.99। अब क्या करना, अब फिर से हम क्या लिखने जा रहे हैं, रॉयल्टी, पर अब की बार किस में लिखेंगे, रुपीस में। अब रुपीस में कैसे लिखें, 0.24 इंटू, इसमें भी शॉर्टकट मारेंगे, 0.24 इंटू 57.5, तो ये रुपीस में आ गया 13.81, 57.8, तो ये आ गया 13.88, 57.82, ये भी उतना ही आएगा 13.88, 57.54, 13.81 एंड 56.99, 13.686, यहां तक काम हो चुका। अब हमको टोटल CFBT चाहिए, ये रुपीस में है, दिस इज रेवेन्यू का शेयर और ये रुपीस में है, इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, एट। अब हमें चाहिए जगह, अब इसको ले जाते हैं ऊपर, यहाँ से जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है सर, अब हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी बड़ी टेबल बन रही है, पर बन जाने दो बेटे, दो चार टेबल बनाने की अपेक्षा एक ही टेबल बनाएं और उसी में हम सारा काम कर लें। ठीक है, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, अब मैं लिखने जा रहा हूँ टोटल CFBT, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, CFBT किस किस को जोड़ूंगा, दिस प्लस दिस, ये दोनों जोड़ना पड़ेगा, अब तो ऐड ही करना पड़ेगा, तो 62.96 प्लस 13.81, तो ये आ गया 76.77, 71.04 प्लस 13.88, 84.92, 79.04 प्लस 13.88,
92.92, 86.88 plus 13.81, 100.69, and 94.72 plus 13.68, 108.40. CFBT, अब क्या करना, अब क्या करना, अब डेप्रिशिएशन, ये तो हमको अच्छे से पता है इसके बाद, ये टोटल मिलाकर आया रॉयल्टी मिलाकर, ओके सर, अब क्या माइनस करना, अब माइनस करना है डेप्रिशिएशन। अब सवाल बच्चों का ये आया, सर मशीनरी कितने की, 200 करोड़, तो 200 करोड़ रुपए तो आप पूरी तरह से डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 60% ही शेयर है, तो आपको डेप्रिशिएशन भी तो 60% पे निकालना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन में कहीं भी स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है कि सामने वाला भी मशीनरी में पैसा लगा रहा, सिर्फ हम लगा रहे हैं 200 करोड़, तो मैं 200 पर ही पूरी तरह से डेप्रिशिएशन चार्ज करूंगा। आपका लॉजिक क्या बोलता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मशीनरी लग रही है वो मशीनरी का सारा इन्वेस्टमेंट हम ही कर रहे हैं, तो हम पूरे की पूरा पूरी तरह से डेप्रिशिएशन क्लेम करेंगे। पीएम ने भी, स्टडी मेट ने भी ऐसा ही कर रखा, ओके सर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये लिखा था आप 200 में से पहले 5 करोड़ माइनस करोगे और 20% डेप्रिशिएशन निकालोगे एसएलएम मेथड से, ऐसा मैं क्वेश्चन पढ़ाते वक्त आपको समझा दिया था। तो सर डेप्रिशिएशन 195 पे, यस, कितना परसेंट, 20%, 39 डेप्रिशिएशन लगेगा, 39 39 39 39 39, तो अब जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा पीबीटी, पीबीटी। सर इसमें भी शॉर्टकट करेंगे, या 76.77 माइनस 39, तो ये आ गया भाई 37.77, 84.92 इक्वल टू 45.92, 92.92 माइनस 39 53.92, 100.69 इक्वल टू 61.69, 108.4 इक्वल टू 69.40। अब हमको इस पे क्या लगाना पड़ेगा, टैक्स, और टैक्स कहाँ चल रहा है, इंडिया में, इंडिया में टैक्स का रेट कितना है, यार आपने समरी में लिखा होगा, मैं यहाँ से चेक कर लूँ इंडिया में टैक्स का रेट क्या चल रहा है, इंडिया में है 30%, ये इंडिया में ही सारा काम कर रहा है, तो चलो लिख देते सीधा 30%। सर यहां भी आप शॉर्टकट मारोगे, यस, लेकिन 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 इसका जो टैक्स निकलेगा वो यहां पैड नहीं हुआ, वो होगा अगले साल, इसका जो टैक्स है वो होगा अगले साल, ठीक है। 30 पहले क्या करें, 0.3 इंटू 37.77 लिखेंगे तो सही, लेकिन यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे 11.33, 45.92, 13.78, 53.92 इक्वल टू 16.18 ले लूं, 61.69 इक्वल टू 18.50 है तो 51 ले लेता हूं, और 69.40 तो ये आ गया 20.82। अब समझना मैं क्या करूँगा, मुझे क्या हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, नहीं, तो डेप्रिसिएशन मजबूरी में क्यों माइनस करती हो, क्योंकि मुझे टैक्स का अमाउंट चाहिए, टैक्स का अमाउंट, और टैक्स का अमाउंट पता लग गया। आप चाहो तो पहले पैट निकालोगे और फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे, पर क्यों टाइम पास करें, हमारे पास तो सीधा, मुझे सीएफबीटी मालूम है, मुझे टैक्स मालूम है, तो क्या कर सकते हैं हम, सीधा सीएफबीटी निकाल सकते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये हो गया हमारे लिए 1 और ये हो गया 2, तो सीधा तो काम कर सकते हैं 1 माइनस 2, तो पहला तो आएगा 76.77, ठीक है, दूसरा 84.92 माइनस 11.33, यह आ गया 73.592, 13.78,
92.92 minus 13.78 79.14 100.69 minus 16.18 84.54 minus 18.51 89.89 और इधर तो जीरो, तो ये कितना आ गया 20.82। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करना है? दिस इज सीएफएटी। पर एक चीज़ और बची है, एक काम करते हैं ना, और क्या क्या मिलेगा हमको? एक तो वर्किंग कैपिटल लगेगा भी और मिलेगा भी। हाँ सर, सर 50 करोड़ तो शुरू में लगने वाला, तो जीरो पीरियड का तो हमने बनाया नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे, जीरो पीरियड का बाद में देखेंगे। 50 करोड़ के अलावा पहले साल 5, सेकेंड ईयर फिर 5, थर्ड ईयर फिर 5, फोर्थ ईयर फिर 5, और उसके बाद पूरा की पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। इट मीन्स मैं यहाँ और किसका एडजस्टमेंट कर देता हूँ, वर्किंग कैपिटल। यहाँ कितना लगेगा 5, यहाँ कितना लगेगा 5, यहाँ कितना लगेगा 5, और यहाँ 5। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये पैसा हमको लास्ट में रिकवर हो जाएगा। सर कौन सा? ये 5555 तो रिकवर हो गई, और जो बिगनिंग में लगा होगा 50 वो भी तो रिकवर होगा, तो टोटल मिलाकर कितना रिकवर हो जाएगा? 70। और इसके अलावा और एक चीज, स्क्रैप वैल्यू। और स्क्रैप वैल्यू कौन सी ईयर में आएगा? इस साल। ठीक है, अब जो निकलेगा ना वो आएगा फ्री कैश फ्लो। अब हम लिख रहे हैं फ्री कैश फ्लो, यहां लिख रहा हूं मैं फ्री कैश फ्लो किस में निकलेगा? रुपीस में। कर लेते हैं 76.77 माइनस क्या करूंगा 5, तो यहाँ आ गया 71.77, 73.59 इक्वल टू, ये आ गया 68.59, 79.14 इक्वल टू 74.14, 84.51 इक्वल टू 79.51, ये तो जुड़ेगा 89.89 प्लस 70 प्लस 5, तो ये आया 164.89, और लास्ट वाला तो माइनस में ही रहेगा। ठीक है सर, अब यहाँ इसको ऊपर ले जाए और थोड़ा सा लगेगा मोटेगा, सीधा मैंने यहाँ कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा लाइन बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक तो हो जाएगा मुझे उम्मीद। तो सर इतना बड़ा क्वेश्चन आने की क्या चांसेस है? बेटे चांसेस का छोड़ दो, चांसेस का हम बात नहीं कर सकते। ये है फ्री कैश फ्लो। ठीक है, अच्छा सर तो बात खत्म हो गई क्या? बेटे काश बात खत्म हो जाती। ये किस में है? रुपीस में। अब हम क्या करेंगे, क्या इतना रुपया परफेक्ट इनकॉर्पोरेशन ला सकता है? नहीं। अब बात करते हैं रेमिटेंस की, कितना लाया जा सकता है? तो यहां लिख रहे हैं हम रेमिटेंस, फिफ्टी परसेंट सीधा लिखा हुआ है, 50% तो आप करंट ईयर में ही ला सकते हो। मतलब कमाया कितना? 71.77 करोड़, लेकिन इसमें से 50% ही ला सकते हो उसी साल, 0.5 × 71.77, तो ये आ गया 35.88 89 कर ले सर, ठीक है 68.59, तो 34.29, 74.14, तो ये आ गया 37.07, 79.51, 39.75 है ना, तो 6 कर लिया इसको, 164.89 82.44, और इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई, लॉस को क्या लेकर आओगे? और फिर लिखा है 50% इन
नेक्स्ट ईयर, मतलब 35.89। यहाँ जो है ना, इसका जो ये जो है इसमें 50% तो यहाँ गया, 50% यहाँ जाएगा, ऐसे ही सेम करते जाएंगे हम। 34.29, 37.07, 39.76 और यहाँ जाएगा 82.44। तो अब आ जाएगा यहाँ टोटल रेमिटेंस, अब मैं लिख रहा हूँ टोटल रेमिटेंस 35.89, 34.29 प्लस 35.89 70.18, 37.07 प्लस 34.29, 37.07 प्लस 34.29 71.36, 39.76 प्लस 37.07 76.83, 82.44 प्लस 39.76 तो यह 122.20 एंड लास्ट तो माइनस वाला है ना, 82.44 माइनस 20.82 तो यह 61.62। ये टोटल रेमिटेंस किस में निकला है? ये है सर रुपीस में, पर ये पैसा जब हम लेकर आएंगे कहाँ, यूएस में, तो हमको तो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर, तो इसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक्सचेंज रेट। तो अब एक्सचेंज रेट भी चाहिए हम लोगों को, और एक्सचेंज रेट दिया है क्वेश्चन में, आपने निकाल चुके फर्स्ट ईयर का एक्सचेंज रेट कितना है, हालांकि ऊपर लिखा हो फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 57.54, सेकेंड ईयर का 57.82, थर्ड ईयर का 57.82, फिर 57.54, फिर क्या है 56.99, और उसके बाद मैंने कहा था निकालने के लिए 56.18। तो अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा टोटल रेमिटेंस इन डॉलर, क्या करना है जी सर, डिवाइड कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, 35.89 डिवाइडेड बाय 57.5। प्रॉब्लम है कि ये आ रहा है 0.6237 कुछ करोड़। अब करोड़ की जगह हम इसको मिलियंस में करते हैं, मिलियंस मतलब इनटू में क्या कर रहा हूँ 10। सर ना भी करो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं इन करोड़ में, पर मैं पीएम को फॉलो करूं स्टडी मैट को, तो उसने मिलियंस में कर रखा, मैं भी क्या करूंगा, मैं जो भी आए इनटू किससे कर दूंगा, 10 से कर दूंगा, इनटू 10 तो ये आ गया 6.24 मिलियंस। ओके सर, 70.18 डिवाइडेड बाय 57.82। सर मिलियंस में ना करके उसी में कर हो जाए क्या, चल उसी में कर देता हूँ, बेकार में हम मिलियन मिलियंस के चक्कर में क्यों पड़े। ठीक है, तो ठीक है फिर तो इजी हो गया, 35.89 डिवाइडेड बाय 57.54, 0.0 करोड़ में ही चल रहा है, 623 कितने डिजिट तक ले, तीन डिजिट ले लेते हैं, 624, 70.18 डिवाइडेड बाय 57.82, 1.214, 71.36 डिवाइडेड बाय 57.82, 122.20 डिवाइडेड बाय 56.99, 2.144
एंड लास्ट 61.62 डिवाइडेड बाय 56.18 1.096 है क्या 7। ये आया कहाँ पहुँच गया, ये करेंसी ये कहाँ पहुँचा, ये रेमिटेंस ये पहुँचा यूएस में। यूएस वाला कहेगा भैया टैक्स तो दो, और कितना परसेंट टैक्स मांगेगा 35%। सर इंडिया में जो टैक्स दे के आया उसका क्रेडिट मिलेगा ना भाई, उसको मैं माइनस करूँगा, उसको मैं ऐड कर दूंगा उसका क्रेडिट इसमें, ये कैश इनफ्लो उसमें ऐड कर दूंगा, पर पहले मुझे यूएस का टैक्स तो माइनस करना पड़ेगा। यूएस टैक्स कितना परसेंट है, यूएस में टैक्स 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 कहीं दिया है, यूएस में है 35%। पर ध्यान रखना कि इधर का टैक्स यहाँ नहीं, अगले साल। अच्छा सर, तो 0.35 × 0.624 तीन डिजिट इसमें भी लूँगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 0.218। अब 1.214 इक्वल टू 0.425 इक्वल टू 0.432 2.144 नहीं यार ये गलत हो गया 1.335 × 0.35 0.467 0.35 × 2.144 0.750। और सर इधर का टैक्स सेवंथ ईयर में जाना चाहिए कि बिल्कुल जाना चाहिए 100% भैया, पैसा जा रहा तो जाएगा ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं मैं मजबूर हूँ, स्टडी मैट ने यहाँ गलती कर रखा कि यहाँ का टैक्स जो छठवें साल में जो रेमिटेंस आएगा उसका टैक्स सेवंथ ईयर में जाना चाहिए, पर नहीं किया है, कोई करेक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ सिक्स्थ ईयर का प्रोजेक्ट है, सेवंथ ईयर का कैश फ्लो रिजेक्ट कर दे, जो कि गलत है, पर आपको ऐसा करना पड़ेगा। और सुनो, तीन ही तो क्वेश्चन है आपका, तीन क्वेश्चन है जो स्टडी मैट में डाल रखा है केस स्टडी बेस पे, तो मेरे ख्याल से इसको झेल सकते हो आप। ओके सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने सेवंथ ईयर का क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्टडी मैट ने ले लिया। ओके सर, तो भाई इसमें से ये माइनस होगा सर, लेकिन जो इंडियन टैक्स है उसका वो भी तो आपको क्रेडिट मिलेगा ना। यस, तो अब क्या, इंडियन टैक्स, इंडिया में जो टैक्स देकर आया है, इंडियन टैक्स लिख दूँ क्या? यस, वो ऑलरेडी निकाला है आपने, पर वो किस में निकला है, रुपीज में। तो पहले रुपीज वाला लिख लेते हैं, फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना था भाई 11.33, और कितना था 13.78, और कितना था 16.18, उसके बाद कितना था 18.51, और कितना था 20.82। तो अब क्या करना है, अब ये करते हैं इंडियन टैक्स किस में कर ले, डॉलर, डॉलर का रेट हमको मालूम ही है, सीधा डिवाइड कर देते हैं 11.33 डिवाइडेड बाय 57.82, तो ये आ गया 0.195 है क्या, 6 ले लेता हूँ, 13.78 डिवाइडेड बाय 57.82, फिर से 13.78 डिवाइडेड बाय 57.82, तो ये डॉलर में आ गया डॉलर 0.238, 16.18 डिवाइडेड बाय 57.54, 0.281, 18.51 डिवाइडेड बाय 56.99, 0.325 एंड लास्ट 20.82 डिवाइडेड बाय 56.18, देखिए 0.371 ले लेता हूँ, ठीक है, बस हो गया। अब ये और इसको ऊपर ले जाए, अब काम हो चुका है मेरा। अब क्या करना, अब आया आपका फ्री कैश फ्लो एक्चुअल वाला, फ्री कैश फ्लो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ यार, दिखना चाहिए सबसे,
फ्री कैश फ्लो इन रुपीस। करना क्या है अच्छे से समझना, दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसमें से ये माइनस होगा और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस। इट मीन्स आप लिख लेना वन प्लस जो भी हो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, 1.214 माइनस 0.218 प्लस क्रेडिट को क्या कर दोगे प्लस। तो ये तो ये आ जाएगा, ये तो यही रहेगा और ये आ गया 1.192। ठीक इसी तरह 1.234 माइनस 0.425 प्लस 0.238 1.047 1.335 माइनस 0.432 प्लस 0.281 1.184 2.144 माइनस 0.467 प्लस 0.325 2.002 चार डिजिट तक ले गया कोई बात नहीं 1.097 माइनस 0.75 प्लस 0.371 तो आ गया 0.718। अभी क्या करना, अब निकालना है हमको प्रेजेंट वैल्यू, कितने परसेंट का डिस्काउंटिंग रेट है 15%। तो फटाफट से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। और बस ये ख़त्म, उसके बाद फिर देखेंगे आगे। हम प्रेजेंट वैल्यू लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊँ तो फाइनल आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट से डिस्काउंटिंग करना है 15%। तो मैं सीधा कर रहा हूँ, फैक्टर वैक्टर नहीं लिख रहा हूँ, 0.624 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू आ गया 0.543 एम प्लस 1.192 दो बार इक्वल टू 901 एम प्लस 1.047 तीन बार इक्वल टू 1, 2, 3 एम प्लस 0.688 1.184 कितने बार इक्वल टू 4 बार 1, 2, 3, 4 एम प्लस 0.676 ले लेते हैं 2.002 कितने बार इक्वल टू 5 बार 1, 2, 3, 4, 5 एम प्लस 0.995.712 अब कितने बार इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 एम प्लस 0.310 एमआरसी। तो ये इनका सबका टोटल करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया 4.115 CR। क्या माइनस करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कितना रुपया लग रहा था शुरू में 200 करोड़, तो ये 50 करोड़ वर्किंग कैपिटल और रेट कितना है 57। तो 250 डिवाइडेड बाय 57 तो ये आ गया 4.386 CR। NPV क्या आ गया, NPV नेगेटिव है 4.115 माइनस 4.386 NPV नेगेटिव आ गया 0.271 CR। या फिर क्या बोल सकते, इसी को बोल सकते मिलियंस में इंटू 10 नेगेटिव 2.71 मिलियंस। ये क्या निकला डॉलर है। क्या NPV नेगेटिव है, यस। क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं, रिजेक्ट। तो बस अब वही बात लिख देते हैं, सिंस NPV इज नेगेटिव हेंस प्रोजेक्ट शुड बी
रिजेक्टेड। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा है कि अगर हम धीरे धीरे इसको करें तो शायद सारी बातें, इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आप एक बार इसको पाउस करके लिख पाओ। हालांकि पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कुछ ज़्यादा ही छोटा होगा। ये लो, ये बस ठीक है। तो सर जी, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, बस इतना है अच्छे से काम करना, एक बार इसको पॉज करके लिख लेना अगर आपका लिखा नहीं होगा तो। दैट्स इट, अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं।